हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है और इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा फैसला है, जो आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस और हाल ही में चर्चा का विषय है। इस पर कुछ एक्शन लिया गया है, तो उस पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और एक सबसे मेन डिस्कस यही करेंगे क्योंकि एयरफोर्स नेवी स्टडी चैनल है, तो यहाँ पर आपको एयरफोर्स नेवी से संबंधित और इन्फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू प्रोवाइडेड की जाती है। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि आप कोरोना वायरस की महामारी के बीच एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कस किया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलते हैं कमेंट की तरफ, जो कि हमें थोड़ा सा झंझोर देने वाला था, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़ करने देने वाला था कि क्या सर जो कोरोना वायरस के बीच एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस तरह का कमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने एक कमेंट आया है और ये डिस्कस किया गया अक्की भाटी के द्वारा कि सर एक बात पूछनी है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि दिल्ली के सभी कॉलेज और स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं, तो क्या इसका एयरफोर्स के जो एक्स वाई ग्रुप के एग्ज़ाम, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे अब डाउट में है कि क्या एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम है वो स्थगित किया जाएगा या उसकी कोई नई डेट आएगी या वो मार्च की जगह अप्रैल के फर्स्ट वीक में करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो अब तक की आप सब जानते हैं, सब नंबर फर्स्ट कंडीशन है जो बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एसएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आपको पता है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी आगे कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब तक सीएसएससी है, आप जानते हैं कि उन्होंने भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है और उन्होंने भी नहीं बताया है कि यहाँ पर आपके कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करने से स्थगित किए जाएंगे और अन्य कोई सरकारी डिपार्टमेंट भी एग्ज़ाम है उसको स्थगित करेगा। तो एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, दोनों ही द्वारा प्रोवाइडेड किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर राजस्थान है, ऑल ओवर से है। ठीक है, यहाँ पर दिनांक 14 मार्च को यह नोटिफिकेशन प्रसारित किया गया है। इसमें देखिए, यहाँ पर यह नोटिफिकेशन न ही ओनली राजस्थान की है बल्कि ऑल इंडिया लेवल के लिए सभी जो राज्य हैं उनमें ऐसा ही चीज़ें हैं वो घोषित की जा रही है। तो यहाँ पर आप मेन चीज़ों के बारे में ध्यान देता हूँ कि समीक्षा बैठक के दौरान कोरोना वायरस के संपर्क संक्रमण के बचाव के लिए एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स और जिम, सेमिनार और थिएटर आदि को 30 जो मार्च है उस तक बंद कर दिए रखने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि स्कूल कॉलेज में चल रही बोर्ड परीक्षा पर रोक नहीं रहेगी, यानी कि स्कूल में कोई भी बोर्ड परीक्षा चल रही है, कॉलेज में कोई बोर्ड परीक्षा चल रही है, तो उसमें कोई रोक, ठीक है, क्योंकि वो साल के लास्ट तक का परिणाम है। इसके साथ ही जो सरकारी डिपार्टमेंट के जो एग्जाम होते हैं उनमें कहीं पर भी ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि इस तरह का आपको वहाँ पर मिलेगा कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आई है। यदि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके तुरंत आपके वीडियो के साथ शेयर करेंगे। और अब कोई भी बच्चा इस तरह का कॉमेंट नहीं करना कि क्या कोरोना वायरस की वजह से एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा या आगे उसका दोबारा डेट आएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ चुके हैं, मैंने अच्छी तरह वीडियो को क्लियर रूम में समझाया है कि अभी तक एग्जाम से संबंधित जो एग्जाम हो रहे हैं आपके, उससे संबंधित कोई भी एग्जाम पैटर्न नहीं, एसएससी लेवल बड़े जो सिविल एग्जाम है जो होते हैं उनके में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, वे भी अपना कंटिन्यू काम प्रोग्रेस पर है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।